सभी का स्वागत है और स्वागत के साथ देखिए अगली खबर जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। बीजेपी के लिहाज से बीजेपी जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्य इकाइयों से राय मांगी गई है। द हिंदू सहित तमाम अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को जगह दी है। दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की बैठक हुई है। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन करते हुए चर्चा हुई है। बैठक में राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर हालांकि अमर उजाला ने इस खबर को थोड़े अलग अंदाज में छापा है और द हिंदू ने इस खबर को अलग अंदाज में छापा है, लेकिन खबर का जो मीनिंग है वो सेम है। कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हो सकते हैं विनोद तावड़े। देखिए यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते होंगे, मोस्ट प्रॉमिसिंग फेसेस में से एक विनोद तावड़े को माना जा रहा है। बहुत जल्द जेपी नड्डा, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की भूमिका में है, उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। उनके कार्यकाल में हालांकि इजाफा किया गया था और जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो कार्यकारी अध्यक्ष की खोज में बीजेपी लगातार लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए हमेशा आपको याद होगा कि बीजेपी एक पद एक नाम पर ही आगे बढ़ती है, यानी कि आपके पास यदि एक पोस्ट है तो एक ही नाम होगा, यदि आपको दो पद हैं तो आप एक ही पद पर बने रह सकते हैं और इसी को लेकर बीजेपी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है। तो जैसे कि हम आप तक जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष के नाम को तय कर सकती है। कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं। राज्य इकाइयों से बकायदा आपको बता दें कि राय मशवरा किया गया है। यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की बैठक हुई। देखिए अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कई मरतबा ऐसा देखा गया था नकारा ही गया हो, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर आरएसएस कहीं भी बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर नहीं आई। हालांकि कभी भी स्वयंसेवक संघ जो है वो सीधे सीधे कभी मंच पे नहीं आता था, लेकिन घर घर जाकर एक बैक सपोर्ट जो है बीजेपी को हमेशा देता नजर आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसमें आरएसएस ने भी कई मरतबा तंज भी बीजेपी पर कसा कि देखिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगे, लेकिन जो मदर पार्टी है, जो मदर है, वो स्वयंसेवक संघ ही है, आरएसएस ही है। तो वापस हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी जड़ों में लौटी और स्वयंसेवक के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है और उनके साथ विचार मंथन किया, विचार विमर्श किया, और जिसमें आपको बता दें कि नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा की गई है। बिल्कुल, और इसके अलावा खास विषय ये भी है, समझ लीजिए भाजपा आगामी दिनों के अंदर स्वतंत्रता दिवस के बाद 17 तारीख को एक मीटिंग करने वाली है, जिसमें प्रदेश इकाई के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और जो आगे पूर्णकालिक और कार्यकारी दोनों ही तरह के जो अध्यक्ष होंगे इनके नामों पर विस्तार से मंथन होने जा रहा है। विनोद तावड़े का नाम इसलिए भी बार बार सामने आ रहा है क्योंकि देखिए ओबीसी वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि देश में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी आरएसएस की सहमति के साथ ओबीसी फेस पर दाव लगा सकती है, इसीलिए विनोद तावड़े का नाम बार बार मोस्ट प्रॉमिसिंग फेसेस में से एक माना जा रहा है। बिल्कुल, हम यही बार बार पूजा जिक्र कर रहे हैं कि वापस से आरएसएस की कमी महसूस शायद बीजेपी को होने लगी और बहुत जल्द बीजेपी ने शायद ये कह सकते हैं कि एक चोट खाने के बाद ये संज्ञान ले लिया कि हाँ आरएसएस के बिना या इसके पीछे हटते हुए हम कुछ काम नहीं